चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए हम लोगों को जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो है क्रीम जो कि हम यूज़ करेंगे 480 ml, 1 कैन ऑफ मिल्क मेड या फिर कंडेंस मिल्क जिसको हम बोलते हैं, ये हम पूरा कैन यूज़ करेंगे मतलब जो कि है 400 ग्राम्स का। और हम यूज़ कर रहे हैं चॉकलेट पाउडर जो कि हम यूज़ करेंगे 60 ग्राम्स। और ठंडा रखने के लिए हम आइस यूज़ करेंगे और आपके पास ब्लेंडर होना ज़रूरी है, इलेक्ट्रिकल ब्लेंडर। ओके ओके गाइज, यहाँ पे हमने ले लिया है क्रीम ले लिया है जो कि चिल्ड होनी चाहिए, ऑब्वियसली काफ़ी कोल्ड होनी चाहिए। यदि ये कोल्ड नहीं होगी तो आपकी आइसक्रीम स्मूथ नहीं बनेगी। तो इसको कोल्ड रखने के लिए इस टाइम पे भी मैंने नीचे आइस क्यूब्स रख दिए हैं इसके यूटेंसिल के, तो मैं इसके ऊपर करके इसको अब ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगा राइट, और तब तक ब्लेंड करूँगा जब तक ये स्मूथ नहीं हो जाती। याद रखिएगा इसको कोल्ड रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो अभी हमारी जो क्रीम है वो अभी भी स्मूथ नहीं हुई है। ओके तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है एक्चुअल में ब्लेंड करने में, तो आप करते रहिएगा जब तक ये काफ़ी स्मूथ नहीं हो जाए। एक बार स्मूथ हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसा दिखना चाहिए। ओके 400 ml मिल्क मेड इन। अब हम इसमें डालेंगे चॉको पाउडर, इसको पूरे को मिक्स करेंगे। ओके यू गाइस, यहाँ पे हमारी आइसक्रीम रेडी हो गई है अभी लिक्विड फॉर्म में। अब हम इसको किसी यूटेंसिल में पलटाएंगे फ्रीज करने के लिए। हे गाइस, गुड इवनिंग। आज दोपहर को बच्चों लोगों ने आइसक्रीम बनाई है, वो उसकी क्लिप मैंने आपको दिखाई है। तो अकेले उन लोगों ने ही बनाया है, मैं बिल्कुल किचन में नहीं आई थी मैं, बल्कि दोपहर को थोड़ा टायर्ड फील कर रही थी तो सो गई थी। तो उन लोगों ने ही बनाया और वीडियो भी खुद ही बनाया, फर्स्ट टाइम बनाया है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप दिखा रही हूँ। लेकिन आइसक्रीम बहुत ही अच्छी बनाई है। आज मैं अब बना रही हूँ आम की, कच्चे आम की लौंजी। तो ये इस तरह मैंने आम को पहले छील लिया और फिर ऐसे लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया। इसके लिए पहले मैं सूखा मसाला थोड़ा प्रिपेयर कर लूँगी, उसको कढ़ाई में भूंज करके उसका पाउडर बनाएंगे और फिर उसके बाद बताती हूँ कैसे बनाना है। गैस में कढ़ाई रख दी है, अब इसमें मैं जीरा, मेथी और सौंफ तीनों को डाल करके भूंज लूंगी। ये आवाज आने लगी तड़कने की, मतलब कि ये अपना मसाला भून गया है। गैस को धीमा कर लेंगे, ये तो जल रहा है। कलर भी चेंज हो गया है, अब इसको बंद कर देते हैं गैस को। इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तब मिक्सी में इसको पीस लेंगे। इसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे, राई डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा ही गरम मसाला। गैस को धीमी में रखेंगे तो जल जाएगा। अभी ये कटे हुए आम डालेंगे। अच्छी तरह से मिला करके अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सी डालेंगे क्योंकि अभी इसमें काला नमक डालना है। पानी उबलने लगा है, अब इसमें गुड़ डाल देंगे। पानी सूख चला है, जितना भी आपको पानी रखना है उतना रख सकते हैं, लेकिन ये ठंडा होने पे थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। थोड़ा सा भी और पकाने की जरूरत है, इसको थोड़ा और पका लेते हैं। आम अच्छे से पक गया है और ये ठीक है पानी इसमें भी, क्योंकि अभी ये ठंडे होने पे गाढ़ी हो जाएगी। अब गैस को बंद कर देते हैं,
ये मैंने जो सूखा मसाला था उसको उसका पाउडर बना लिया है। इसमें एक चम्मच, करीब एक चम्मच इसमें ये डाल देंगे सूखा पाउडर। थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालेंगे। कच्चे आम की लौंजी तैयार हो गई है। अब ये जब ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं किसी एयर टाइट कंटेनर में रख दूंगी। तो आप फ्रिज में स्टोर करके एक हफ्ते तक आराम से चला सकते हैं। इसको पराठा, रोटी, दाल चावल किसी के भी साथ खाएं, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। चॉकलेट आइसक्रीम बनाई शय ने। तुमने क्या वीडियो बनाया है? कुछ भी नहीं किया, मैं सो रही थी। तुम भी सो रही थी? अकेले इसने बनाया? अब वो सो चुका है इसलिए वो वीडियो में नहीं दिख रहा है। वाओ, बहुत अच्छी आइसक्रीम बनी है, देखने में तो बहुत प्यारी है। ये देखो चोको चिप्स इधर नीचे जम गई है। वैसे तो मैंने पहले टेस्ट कर लिया है, इसीलिए तो खा लिया डिब्बा। भाई की बनाई आइसक्रीम बहुत टेस्टी है। नीचे चोको चिप्स भी डाला था, नीचे रह गया। श्रेय भी कुकिंग कर लेता, बस तुम बची है। तुम कब करोगी कुकिंग? अब तुम लोग कर तो लेते हो। हम खाने के लिए yes. खाने वाला भी तो कोई चाहिए। बहुत अच्छी बनी, मार्केट से भी अच्छी। 11 से ज्यादा हो गया, 11:30 बजने वाले हैं। रात को हम और बिटिया दोनों जन आइसक्रीम खा रहे, वो दोनों सो गए। बहुत टेस्टी। तो चलिए इसी आइसक्रीम के साथ वीडियो को एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय।